लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में प्रमुख चीज़ों का अध्ययन हमने किया था। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद जिस टॉपिक का नंबर आता है वो छोटा सा टॉपिक है कि ग्लोबल वार्मिंग साथ साथ कुछ गैसों के नाम लिखा था। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो प्रश्न उठता है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल के पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्यता होता है, इसलिए पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब अगर देखा जाए कि पर्यावरण में CO2 किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख योगदान देता है, सबसे प्रमुख उत्तरदायी देता है, उसको आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि सीटेट में सीधे प्रश्न नहीं पूछकर इसे घुमाकर पूछते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल को हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। CO2 लगातार बढ़ रहा है, इसको अगर आपको बताना होगा तो आप हमें कैसे बताएं? अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको ये बात प्रूफ करनी हो कि वास्तव में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो आप कैसे इस बात का प्रमाण देंगे? क्या आपके पास ऐसी कोई लॉजिक है जिसके आधार पर यह प्रूफ कर सके या बता सके कि वास्तव में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है? बताएं आप। हाँ, जनसंख्या वृद्धि, इन्होंने टॉपिक बताया जनसंख्या वृद्धि, एकदम सही बताया। जनसंख्या वृद्धि से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ा, इसके दो रीजन। पहला कारण, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मनुष्य अपने श्वसन अंगों द्वारा सबसे ज्यादा कौन सी गैस उत्सर्जित करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड करेगी। लेकिन एक इसका और प्रभाव पड़ता है जनसंख्या से, जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी इनके लिए आवास की जरूरत पड़ेगी। आवास के लिए क्या करेंगे ये? सबसे पहले अपना विस्तार करेंगे। अपना विस्तार दो तरीके से करेंगे। पहला, ऐसी भूमि का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से कृषि योग्य थी, उस पर क्या बनाएंगे? मकान का निर्माण करेंगे। जैसे हम एक बात और जानते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं जो हमारे जनसंख्या निवास करती है वो उपजाऊ क्षेत्र पर ही निवास करती है। आप आज के 5 से 10 साल पहले अपने गाँव के आस पास के जगह को, स्थल को कल्पना करिए जहाँ आपने आज के 10 साल पहले खेत देखे थे, आज हम बड़े बड़े बिल्डिंग। माने खेत छोटी हो जा रही, क्यों? जनसंख्या बढ़ेगा। जैसे एक बाप के पास 100 हेक्टेयर खेत था, अगर उसके 2 लड़के हो गए 50-50। अब लोगों ने क्या किया, फिर इनके 2 हो गए, फिर क्या हो गए 25-25, फिर इनके हो गए। इस प्रकार लगातार जमीन का बंटवारा हो रहा है। तो आप कहेंगे जमीन का बंटवारा क्या, एक लोग के पास इतना था, इतने लोग के पास इतना, माने जनसंख्या क्या हो रही है? तो जनसंख्या बढ़ेगी तो CO2 कैसे हो, वो उत्सर्जन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने रहने के लिए आवास का निर्माण करेंगे। तो ये आवास कहाँ बनेगा? घर से जंगल की तरफ, खेत की तरफ। जंगल की तरफ जब बढ़ेगा तो खेत की क्या होगी, पेड़ों की कटाई होगी। अब पेड़ का क्या रोल है, प्रश्न होता है इसमें, पेड़ों का क्या रोल है? क्योंकि पेड़ हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें ऑक्सीजन देता था उसको हम क्या कर रहे हैं, अब खुद अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वायुमंडल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग। तो एक बात यह स्पष्ट हो गया कि जनसंख्या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा क्या है, जिम्मेदार है। क्या है? क्यों? जनसंख्या बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ज्यादा होगा, जनसंख्या का फैलाव होगा, मैदान संकुचित होंगे, जंगल कटाव होगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। जब आप ठंडी में गांव से शहर की तरफ आते हैं तो गांव में खूब कोहरा रहता है, शहर पहुंचते कोहरा गायब होता है, गर्मी लगती। क्यों? क्योंकि वहां पे शहर में लोग ज्यादा निवास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए वहां का टेम्परेचर, गांव का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। कभी अनुभव किया आपने? शहर में गाँव की अपेक्षा तापमान, जहाँ खूब दूर तक खेत ही खेत होते हैं वहां पर खूब कोहरा पड़ती है, जबकि उसके ठीक विपरीत शहर में कोहरा मात्रा। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसके लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ने के लिए 3 P जिम्मेदार होते हैं। कितने पी? 3 P। ये 3 P क्या है बता सकते हैं? पहला, ये 3 P पॉपुलेशन, जनसंख्या, जिसको अभी हमने बताया। जनसंख्या के बारे में आप जितने शब्द बोल सकते हैं बता सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा इसका योगदान है। ठीक, पोल्यूशन, प्रदूषण, पॉवर्टी, गरीबी, तो 3 P का सबसे अहम रोल है। 1 P का मतलब होता है जनसंख्या, 2 P का मतलब होता है प्रदूषण,
तीसरे पी का मतलब होता है गरीबी। अब ये तीनों शब्दों का अगर आप डिफाइन करते हैं कि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने में इन तीनों पी का क्या योगदान है, क्या अहम योगदान है, अब आप अच्छे से बता सकते हैं। तो आपसे बारी बारी से पूछेंगे, पहले पी पॉपुलेशन का क्या योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने में, आप बताइए। अब क्या होगा जब लोगों का विस्तार होगा, मतलब दो चीजें हो गई। पहले चीज, अगर आप एक सहायक अध्यापिका बन गई तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, स्कूटी लेंगे। नो डाउट, पहला काम प्रथम किसी तरह जाएंगे, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में स्कूटी, पहला टारगेट जो भी गाड़ी ले वाला स्कूटी लेंगे आप। स्कूटी लेने से क्या तात्पर्य, दो चीज, स्कूटी लेंगे क्या होगा, प्रदूषण, जैसा कि आपने बात से आपकी नौकरी की बात कर रहे हैं जिसे आप विकसित की रखेंगे, उसके बाद दूसरा टारगेट शहर में जमीन लिखवा, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। अब क्या करेंगे, जमीन लिए, यहाँ तीन बड़े बड़े पेड़ थे, क्या करेंगे, पहले कटवा देंगे, या खेत था या बड़े से बिल्डिंग बन गई, अब क्या करेंगे, छोटे छोटे गमले चट्टों पर लगाएंगे, ये नहीं करते हैं आप। तो क्या हुआ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, आपके घर के पास ही यहाँ पर नहीं लिया तो, मतलब अगर अध्यापक होते हैं तभी पर्यावरण क्या करेंगे, और इसी को विकसित की संज्ञा देते हैं। अगर आपके पास चार मंजिला खूब बढ़िया खूबसूरत मकान है, चार छह गाड़ी है, खूब कारों साजित करते, इसका मतलब आप आपका घर विकसित है। साइकिल चलते हैं तो, लेकिन अभी बताएंगे गरीब व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा मतलब यह है जनसंख्या बढ़ने में, यह तीन पी में जनसंख्या बढ़ने में भी क्या है, प्रदूषण, प्रदूषण बात ही नहीं करना, जनसंख्या जनसंख्या ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ेंगे, ऑक्सीजन कम लेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या, वृक्षों का कटाव, वृक्ष कटाव इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसका सोल्यूशन क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, पहले क्या था, हम दो हमारे आने दो, अगर हम दो हमारे दो पर रोकते तो भी क्या है, अब उतने पे है जितने पे हैं यार, तो यह हमारा क्या है, यह जनसंख्या हमारे पर्यावरण के लिए अभिशाप है, न कि वरदान है। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति आएगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, जमीन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं करेगा, बेरोजगार रहेगा, मेरी तरह सांस तो लेगा जी, आगे बढ़े, प्रदूषण आते हैं, प्रदूषण क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पे क्या इसका कोई रोल, क्या योगदान है, yes, क्या जैसे वाहन जितने ज्यादा होते हैं उस क्षेत्र में जाने पे वाहन, एक प्रश्न उठता है प्रदूषण किसे कहते हैं, कल का चैप्टर प्रदूषण ही रहेगा, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं, मनुष्य या प्रकृति या मनुष्य द्वारा से कह सकते हैं, मनुष्य के मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी वांछनीय या अवांछनीय कार्यों से वायुमंडल के गैसों में या वायुमंडल में होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन को ही प्रदूषण कहते हैं। एक आप कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वांछनीय या अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, प्रदूषण। कई प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल इकाई की है। तो प्रदूषण से क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप इसको डिफाइन करिएगा सारा चीज। अब हमें ये बताइए प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से योगदान दे रहा है, क्या प्रदूषण बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कैसे, क्या आप भी इसमें योगदान दे रही हैं, क्या आपका भी कोई योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने में इस प्रदूषण का, आप बताइए बबीता सर, बबीता जी कुछ भी बताइए ना। देखिए आपकी जो दिमाग की उपज होगी वास्तव परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। गलत बताइए, गोली थोड़ी ना मार देंगे आपको, गलत बताने पे गोली मार देंगे, आप नहीं बताइए, आप बताइए राहुल जी। तो
हाँ आप प्रश्न उठता है जैसे जो पॉलीथीन हम अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो प्लास्टिक का पॉलीथीन यूज करते हैं वह या तो जलाए या तो दफनाए, जला दिए तो वायुमंडल प्रदूषण, दफना दिए मृदा प्रदूषण, मृदा को सड़ने नहीं देगा और जब मृदा सड़ेगी नहीं तो उसकी उपज नहीं होगी, उर्वरा शक्ति नहीं बनेगी, मतलब दोनों तरह से वो हमारे गिद्ध भोज, गिद्ध भोज जानते हैं आज का युग में बफर सिस्टम इसे कहते हैं खाने का, इसे गिद्ध थोड़ा सा उठाते हैं, थोड़ा सा भाव उठाते हैं, थोड़ा सा भाव उठाते हैं, किसी शर्ट पे लगा देते हैं, किसी के पैंट, तो ये गिद्ध भोज एक, तो ये गिद्ध भोज में जिस प्लेट पे खाते फोम का उसे जलाया तो भी दिक्कत, अफराया लेकिन वही क्या है आज के समय अमीरी का पैमाना है। अगर आप पत्तल भी खिला रहे कंजरिया ठीक, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या बन गई है, अभी आगे पढ़ेंगे रिसाइकल, लेकिन हमें यहाँ ये पढ़ना है ये पी, और प्रदूषण बताइए, वाहन से धुआं जो निकलता है कौन सी गैस, यूपीटेट का पूछा क्वेश्चन, सीओ, अब उसके बारे में व्याख्या कर दें, एक गैस आ गई सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ, साइकिल ऑफिस है, इस गैस को क्या कहते हैं, एक प्रश्न और पूछा, दमघोटू गैस, दमघोटू गैस कैसे, जैसे कोई व्यक्ति अगर कमरे में बंद है उसे जान से मारना है, दरवाजा खोलिए, अंगीठी जला हुआ रख दीजिए, दरवाजा बंद कर, सुबह तक कैसे, क्योंकि वायुमंडल में वहां उसके आसपास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अंगीठी से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहनों के धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ के साथ जब वो अंदर जाएगा तो हीमोग्लोबिन में क्या चिपक जाएगा, कार्बन, तो उसकी दक्षता क्या कहते हैं, कम कर देगा, और जब वहन क्षमता, क्योंकि जब मनुष्य सांस लेता है सभी गैसों का मिश्रण अंदर जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चिपक जाता है, पूरे बॉडी के अंदर परिवहन कराता है और बाकी गैस बाहर आ जाती है, तो जब सीओ अंदर जाएगा, सीओ साहब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, और अंदर जाएंगे क्या करेंगे, उसको नष्ट करना शुरू करेंगे, तो परिवहन क्षमता क्या हो जाएगी, तो अंदर ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, दम, सांस, दम घुट जाएगा, और दम घुटने के बाद, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक समझ आया दम घोटू गैस के बारे में, और बताइए प्रदूषण के बारे में, कौन सा प्रदूषण, वन प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण भी, अभी देखिए एक अध्याय पढ़ेंगे प्रदूषण का, अभी तो हम लोग केवल ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ रहे हैं इतना तरीके से, अब आते हैं गरीबी, क्या पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने में या प्रदूषण बढ़ने में क्या गरीबी का भी कोई योगदान है, क्या गरीबी, पहली चीज अगर आप गैस चूल्हे पे खाना बना रहे हो, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, तो आपके दृष्टिकोण में गरीब कौन होगा, ईमानदारी से बताइए, लकड़ी पे खाना बना, जो लकड़ी पे खाना बनाएगा क्या निकलेगा, जो महिलाएं खाना बनाती हैं बेचारी खांसती रहती हैं, फूंकती रहती है, समझ में आ रहा है, खाना बनाती रहेंगे बेचारी, इतना बड़ा क्या होता है, फूकनी, और फूंकती रहेगी खांसती रहेंगी, ये बात ये दर्शाता क्या है कि उनकी जीवन प्रत्याशा कम करने में योगदान दे रहा है, और साथ में CO2 का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, समझ में आया, और गरीबी से आगे बढ़ते हैं, और गरीबी क्या, आप सबसे सस्ती चीजें मार्केट चलाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ जहां पे गरीबी ज्यादा होती है, जहां पे ज्यादा गरीबी होती है वहां पर उसका विकास रुक जाता है, विकास रुकने के साथ साथ ऐसी चीजें हैं जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे प्रदूषित शहर की जब संज्ञा देते हैं जिसका, वहां पे गरीबी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित कहते हैं ना, यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो अपने आप कैसे समझ में आ जाता है, कैसा शहर, वहां लोग कैसे होंगे, मतलब उनका विकास नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं, हर चीज में ऑप्शनल खोजते हैं, खाने में, कपड़े में, नहाने में, बर्तन धोने में, हर जगह जो जल पीते हैं बेचारे, आप क्या तारो लगवा लेंगे, क्या जो मिलेगा वही से जीवन बसर, तो यह गरीबी इन दोनों को योगदान देती है, गरीबी क्या करेगी, प्रदूषण, तभी बहुत सारे टर्म है जो यहां से नहीं बता सकते हम,
अभी हम वीडियो पोस्ट करेंगे फिर आपको हम बताएंगे, बता ही देते हैं आप लोग को। तो गरीबी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है, जैसे अभी हम स्लम डॉग की बात करें, एक मूवी शायद आई थी, मुंबई का सबसे गरीब शहर जो है वो भारत का सबसे मलिन बस्ती में से एक, नाम याद है आपको? भारत का सबसे मलिन शहर कौन सा? मुंबई कौन सा शहर? वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, और गरीबी किस प्रकार से प्रदूषण करने में, जनसंख्या, देखिए गरीबी प्रदूषण बढ़ाने में, जनसंख्या बढ़ाने में, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे ज्यादा योगदान देती है। इसके लिए इन तीनों के बाद एक बात स्पष्ट होकर आती है, वो आती है शिक्षा। क्या आती है? अब एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि एक टीचर बनने के लिए आपके सिलेबस में क्यों पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। आज तक आपको इसका उत्तर नहीं मिला, आज आप जान जाइए क्यों पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। भारत की कोई भी परीक्षा देने जाइए, अगर उसमें जीएस को सम्मिलित किया गया है तो पर्यावरण को जरूर सम्मिलित किया जाता है। यहां तक बी ए बी एस सी बी कॉम ग्रेजुएट तभी होंगे जब तक आप राष्ट्र गौरव पर्यावरण परीक्षा को पास नहीं करेंगे, तब तक डिग्री नहीं मिलेगी। बैंक, रेलवे, किसी परीक्षा में जाए, पुलिस, एसआई, आईपीएस या सिविल क्षेत्र, यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, हर जगह इसको क्यों रखा गया? इसीलिए ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो। अगर हम आपसे कह दे कि बिस्किट खाने के बाद पन्नी रोड पे मत जाइए, आप कहेंगे आपके बाप का है। लेकिन आपके घर में कोई मेहमान पहुंच जाए, अब उसका पैर छूते कौन सिखाया? इसलिए प्राथमिक शिक्षा में जो चीजें सिखाई जाती है उसमें पर्यावरण को सम्मिलित किया गया, ताकि अब आपको, अगर हम आपसे कहें नल चालू करिए, बंद कर दीजिए, पानी खत्म बर्बाद हो रहा है, कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अब आप कार्बन, अब देखिए इतनी जागरूकता, मोदी जी लोग आए, 100-200 पैदा हो मर जाए स्वच्छ भारत अभियान नारा लगा के, लेकिन हम वही पान खा के थूकेंगे रोड पे, वही पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे भी ब्लड में नहीं घुसा है। कब घुसेगा? जब हम उसे प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा में उसे उतार देंगे। जब तक आपके यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप, और जब तक ये होगा तब तक ये मानो कि बात, और जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ेगी गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी प्रदूषण होगा, माने यह तीनों पी CO2 के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। इस पी का मतलब पॉपुलेशन, इस पी का मतलब पॉल्यूशन, इस पी का मतलब पॉवर्टी। एक होता है गरीबी, एक होती है निर्धनता। तो किसी भी देश के लिए गरीबी और निर्धनता में क्या जरूरी है, कौन सा अभिशाप कौन सा वरदान है? तो मिला जुला के हमें एक बात स्पष्ट हुआ कि पर्यावरण में जितने ज्यादा हो रहा है उसके लिए सबसे अहम हिस्सा क्या है। आपसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? संध्या जी, आप बताइए कि पर्यावरण प्रदूषण में या पर्यावरण में इतना ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है उसमें सबसे अहम योगदान किसका है? किसका? किसका प्रदूषण? किसका? जागरूकता, शिक्षा का अभाव। बस दो पॉइंट, शिक्षा और दोनों शिक्षित है तब वही काम कर, लेकिन जागरूकता, अगर आपके अंदर जागरूकता है, आपको ये पता ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, आप नहीं करें। और इस समय जिस हिसाब से पर्यावरण शिक्षा दी जा रही, काफी सुधार आया। आप लोग भी पानी बहाते समय बार सोचते हैं नहीं बर्बाद हो, अपने आप दिल से आवाज निकलती है, कहीं पॉलिथीन फेंका गया कहीं जलाया जाए तो कष्ट होता है, इसलिए प्लास्टिक बैग पे बैन लगाया जा रहा है। आगे हम लोग भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे कौन सा ऐसा प्रदेश है देश का जहाँ सबसे पहले प्लास्टिक बैन किया गया, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जुलाई में बैन किया गया, लेकिन आज भी लोग उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये प्रकृति के विनाश का निमंत्रण कार्ड है, इसे आप इन्विटेशन कार्ड कहते हैं। ये इसको क्या, प्रकृति के जो चक्र बुना हुआ है इसे ध्वस्त करने का निमंत्रण कार्ड है प्लास्टिक। आप समझिए कि पहले हमारे दादा दादी 100 पार है, 80 पार है, हम आप बुढ़ापा देख ले, ये बड़ी गर्व की बात है। किसकी वजह से? जीने की बात छोड़ दिए, बुढ़ापा न देखने, समझ रहे हैं? उनकी उम्र हो जाती है 40, 85, 80, ऐसे अखबार पढ़ते हैं। वहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक का अगर हम सर्वे करें तो 100 में 5 लड़का मिलता है चश्मा, और हम अब तो बचे हैं, अभी तक हमें लगता है 2-4 साल बाद आप लोग को हम लोग तो चश्मा लग जाएंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यही पी ऐसा है जो पूरे पर्यावरण को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है। यही पी
आप सोचिए हमारे आपके आज के 10 साल 15 साल पहले, क्योंकि परीक्षा प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं, जो हमारे दादी थी वो कौन सी चेहरे क्रीम पाउडर लगाते थे, लेकिन किल मुहा से सबसे ज्यादा आज बाल मिट्टी धुलते थे, एक कई साबुन से चेहरों लगाते थे, कपड़ों साफ करते थे, बाल भी लगाते, आज कहेंगे बाल पक जाएगा, झड़ जाएगा। अब लगाएंगे तब लगाएंगे, फेंक देंगे, मार कर लेंगे घर वालों से, नहीं ना एक महीना। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य अपने विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए जिस क्षेत्र में बड़ा है उस हिसाब से पर्यावरण पर लगातार। इसीलिए मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक क्लोज कर दूंगा। इस बार पीछे से पूछा था, एक व्यक्ति थे, उनका जिक्र तो करना उचित नहीं है लेकिन हम कर दे रहे हैं, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्ट प्रश्न ही पूछ रहा था। उनका नाम माल्थस, माल्थस ने बात कही थी, माल्थस पिछली बार पीछे का पूछा प्रश्न है और कई परीक्षा पूछ चुका है माल्थस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ती है वो कैसे बीजगणितीय क्रम में बढ़ती है। बीजगणितीय क्रम में समझ रहे हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 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
दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह। भैया खाद्यान्न थोड़ी है, एक हेक्टेयर में एक क्विंटल जगह अगर जनसंख्या बढ़ गई 16 क्विंटल हो जाएगा। तो अगर इस क्रम से बढ़ रही, इसका मतलब आने वाले समय में क्या होगा, ये जब गैप लंबा होगा तो भुखमरी से, और इसको गैप को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक शब्द आपको पढ़ेंगे पर्यावरण में, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति क्या है, उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए कृषि का यांत्रिकरण करना तथा खाद उर्वरक का अधिकाधिक प्रयोग करके उत्पादन में जो वृद्धि है उसे हरित क्रांति कहते हैं। विश्व में नॉर्मल बोला भारत में एस स्वामीनाथन लाने का। अब यूरिया जो खेत में डाल देंगे कि ताकि जल्दी से फसल तैयार हो जाए, और जब हम पालक खाते हैं तो उसके साथ यूरिया भी। एक सर्वे आया था, अगर आप दोनों टाइम शाकाहारी हैं, दोनों टाइम अगर पालक खाते हैं सब्जी शाकाहारी खाते हैं, तो 8 ग्राम यूरिया यूरिया का सेवन करते हैं। अगर किसी के बगल में लंबी खेती होती हो पालक वगैरह का, जाके कभी देख ले, इतना बड़ा पालक तुरंत डाले, पालक इतना तो कहां जाएगा, का मतलब इनके पेट भरने के लिए क्या करना होगा, वैकल्पिक स्रोत इस्तेमाल करना होगा। भाई वैकल्पिक स्रोत क्या करेगा, इसके विनाश का। माल्थस ने एक बात और कही थी कि प्रकृति एक मेज के समान है, ध्यान सुनिएगा, प्रकृति एक मेज के समान है, उतने लोग को भोजन परिस्थिति जितने लोग के पास इसके पास। जैसे आपने आपके परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार है, 5 लोग है, 4 लोग है, 2 बच्चे और पति पत्नी, खाना बना कर रखते 4 मेहमान आ जाए तो क्या होगा, अगर खाना उतने था अगले दिन के लिए नहीं है तो मेहमान खिला के अपना भूखे सोइए। माने प्रकृति उस मेज के समान है, उतने लोग को खाना परोसते जितने लोग का भोजन है, अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे क्या हो जाएगा, भूखा रहना पड़ेगा। इसको स्पष्ट करते हैं, उन्होंने ये बताया प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। कैसे, अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या करती है, हर साल एक नई बीमारी आती है, स्वाइन फ्लू, पहले एड्स आया, उसकी पोलियो एड्स, उसका इलाज हुआ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1 और डेंगू, फिर डेंगू खत्म हुआ, फिर चिकनगुनिया, फिर अभी इसके पहले क्या था, हाँ इन्फ्लुएंजा आया, फिर आया इबोला, हर साल नई बीमारी आती है। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम डाल तो प्रकृति, और जब कम हो जाता है इकट्ठे सुनामी आती है, इकट्ठे कम भूकंप आता है इकट्ठे, माने प्रकृति अपना संतुलन भी बरकरार रखती है, क्योंकि उतने लोग को भोजन परस्ते जितना इसके पास। ये किसका सिद्धांत था, ये माल्थस का सिद्धांत, ये दर्शाती है क्या, ये माल्थस सिद्धांत से क्या आता है, जनसंख्या सिद्धांत, ये बीज गलती और ये अंग गलती, उन्हीं का है, उन्होंने ये बताया था। अरे भैया आपके पास एक हेक्टेयर खेत है, खाद डालेंगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे दुगना कर देंगे, कि हम 2 तो 2 गुना खाद, हमारे 4 तो 2 गुना, ऐसा तो नहीं है ना, उत्पादन वृद्धि हो जाएगा। ये सच्चाई इसको स्वीकार करिए, और आप सब पढ़े लिखे शिक्षित है इस बात को समझिएगा।
और एक बात और इस पर डिबेट हुआ था, हम आपको भी बताएंगे क्योंकि डिबेट हर जगह खुले मंच पर नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को, इस टॉपिक को पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय प्रदूषण। क्या पढ़ेंगे आप? तो कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्रदूषण। आज के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, कई चीजों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया और अंत में निकला जागरूकता बिना आप पर्यावरण को नहीं बचा सकते। एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे, इस बार पर्यावरण खतरा क्या हुआ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हम आप लोग को। आप लोग किस लिए पढ़ रहे हैं बताइएगा, ईमानदारी से बताइए। कुछ लोग कहेंगे नौकरी पर, नौकरी ताकि आप एक सामान्य जीवन बेहतर हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत अपने बच्चों के लिए, आपके माँ बाप किसके लिए मेहनत की है? आप अगर नौकरी मिल जाएगी तो रोटी सब्जी का पनीर पकौड़ा खाइएगा, वही रोटी सब्जी खाइएगा, लेकिन किसके लिए बचाइएगा? ताकि आपके लड़कों की अच्छी शिक्षा मिल सके, उसकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मतलब अपने जनरेशन, आपका शर्ट फटा रहता है बाप का, कहते हैं इस साल तो चल जाएगा, आपके लिए न्यू ले, ये किसके अंदर? आप भी इसी के लिए फॉलो करेंगे तो आप अपने वाले जनरेशन के लिए पढ़ रही है। हकीकत अपना पेड़ तो लोग कहते हैं कुत्ता भी पाल लेता है, हम अब तो इंसान है फिलहाल, लेकिन आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए जिस तरह से पैसे के लिए सोच रहे हैं उस तरह पर्यावरण सोचिए। इस बार ठंडी पड़ी, आपने एक बात ख्याल किया, हर बार शीतलहरी पड़ती थी, महीनों महीनों सूर्य नहीं दिखता था। हमारे समय में आप लोग छोटे थे, हम लोग एक एक महीने शीतलहरी छुट्टी होती थी। इस बार कोई ऐसा दिन ही नहीं आया जिस दिन पूरे दिन सूर्य ना दिखा, ये दर्शाता है क्या? ये दर्शाता है ये कि वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि सूर्य को भी नहीं ढक सका। और इस समय कौन सा महीना है? मार्च, लग रहा है मई जून, तो जलवायु परिवर्तन करने में इसका सबसे ज्यादा योगदान। इसलिए आप शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए और इस पे फोकस करिए पढ़ाई पे, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए पानी बचाइए। अंडरग्राउंड वाटर हर साल आपका नली पानी छोड़ देता है, 10 फीट पाइप नीचे जाता है। आप भैंस धोते हैं चालू कर समय से बोल, सड़क धोते हैं समय से बोल चालू करके, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। ठीक, चलिए इसी के साथ टॉपिक खत्म हुआ, कल से पढ़ेंगे हम लोग प्रदूषण।